हमने जो रूफ टॉप सोलर एनर्जी के बारे में जो प्रोग्राम किया है शुरू, और उसका हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारी जो सूरज है, साल में 330 दिन के करीब ये हमें धूप मिलती है, तो इसको हम प्रयोग में करते हुए हमने जो सरकारी बिल्डिंग हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, मोर देन 500 यार्ड स्क्वायर यार्ड, उन पे ये मैंडेटरी कर दिया कि भी हर बिल्डिंग पे सोलर ये जो प्लांट लगेगा तभी ही इसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो उससे हम जो हमारा सूरज का जो फ़ायदा उठा सकते हैं, सोलर एनर्जी बना सकते हैं, तभी हम जनता को 24 घंटे लाइट दे पाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो इस साल का 70 मेगावाट का टारगेट रखा गया है, उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी, 30% सब्सिडी देगी, और मैक्सिमम 20,000 देंगे हम, विच एवर लेस, और इसमें हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके इसमें सब्सिडी देंगे किसानों को। और भी जो वाटर पंप लगाए जाएंगे उसमें सोलर वाटर पंप के लिए भी, और लाइट के लिए भी, सोलर पैनल्स के लिए। प्राइवेट में भी ना, पर्सनल में भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेस देन 5 स्क्वायर यार्ड के प्लाट जिनके मकान हैं उन पे भी लगवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आज जो हमने ये वेब पोर्टल शुरू किया है, इसका हमारा एक ही मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी हो और लोगों को इधर उधर धक्के ना खाने पड़े और जल्दी काम हो। ऑनलाइन अब एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन सभी का रिकॉर्ड हमारे पास आएगा कि किस एप्लीकेशन हमने एप्लीकेशन लगाई है, उसका कितने दिन में वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारे पास कितना टाइम डिले आया है, ये सब कुछ उस पर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, एक तो कंज्यूमर को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगा, उसके बाद फिर जो POs हैं, ADCs हैं, जब मान लो कंज्यूमर अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन करता है तो जाएगी PO के पास, PO उसको विद इन टाइम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, उसके पास वो अपने अप्रूवल के साथ या रिजेक्शन के साथ ADC के पास भेजेगा, ADC हमारे हेडक्वार्टर भेजेगा। तो इससे क्या है कि हर चीज़ का SMS के जरिए कंज्यूमर को पता लगेगा कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या कहाँ पड़ी है, तो उसको इधर उधर धक्के ना खाने पड़ेंगे। तो इससे हमारे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, काम में तेज़ी आएगी।